फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज हम लोग जा रहे हैं वेदर इंजॉय करने, और गर्मी भी इतनी है, बस हो गई एकदम। पहले सुबह हुई है बारिश, और उसके बाद जो है वो गर्मी इतनी हो गई है कि बहुत ज़्यादा हबस हो गई है। तो आप लोगों के साथ चलते हैं, ठीक है? आप लोगों को भी लेके, क्योंकि आज का भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बतानी है। और चलते हैं फिर आगे, लेट्स गो। यहाँ पे हम नाते तो रह गए हैं, और जो है वो एवी, तो मम्मी कह रही है तुम्हारी जो जीन्स है वो नकली है। निकली कब है? नकली है, नकली नहीं असली है। टिश्यू लगा हुआ है वर्ड्स। ये देखिए इतनी लंबी है ना जीन्स की पैंट, लेकिन अच्छी है। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और अपनी इंजॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि कभी कभी आ जाना चाहिए, और हम लोग आ चुके हैं मरहबा। सो अब हम लोग अंदर चलते हैं मरहबा के, क्योंकि ऊपर छत पे तो गर्मी होगी, छत पे तो गर्मी होगी, नीचे ही बैठना पड़ेगा। चलो गए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्यूटी पार्टी करने, और अब हम अंदर जाएंगे। क्यों तुम क्यों घूंगी हो? क्यूटी पार्टी करने के लिए आ गई, क्योंकि हर टाइम मॉल्स में रहते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं। तो आज हम लोग सोचे कि खुद को एंटरटेन किया जाए, खुद क्या। सो हम लोगों को अंदर जगह मिली है, और हम अंदर जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जो है वो भी इन्होंने एसी ऑन नहीं किया हुआ, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे लेंस अब मेरा परस लोग आ चुके हैं, और हम लोग बैठ गए हैं। एसी की ठंडी हवा जो सी है वो पड़ रही है। एक तो हमारी जगह डिसाइड नहीं होती कि कहाँ पे बैठना है कहाँ पे नहीं बैठना, अभी तक हमारी जगह डिसाइड नहीं हुई। अपने मुँह की बनाओ, फेस की बनाओ। खराब तो नहीं है, हवा लग तो रही है। था वो एसी खराब था, तो हम लोगों को अब यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है इस वाले हॉल में। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह। सो व्यूवर्स, इन्होंने हम लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एसी ख़राब था। तो इस वजह से हम यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ की जो है ओवरऑल लुक भी देख लें, और मुझे भी देख लें। मैंने जीन्स की पैंट पहनी हुई है, लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है, और इस वजह से जो है ना वो मैंने लाइट सा कलर पहना हुआ है, ताकि मुझे गर्मी मुझे भी ना लगे, और आपको देखने वालों को भी गर्मी ना लगे। अच्छा खैर, और एनीवेज, इसके अलावा उन्होंने हम लोगों को सबसे पहले आगे जो सर्व किया था वो था मिंट मार्गरेटा। इतना मज़े का था, और यमी भी था, और ये फ्री था बिल्कुल। GST इन्होंने हमें डाला था, क्योंकि GST एक टैक्स है, और वो सबको पे करना होता है। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं पे करना चाहते, तो आप उनसे कन्वेंस कर सकते हैं, शायद वो काम कर दें। लेकिन मैंने तो पे किया था, बिकॉज़ उनका कोई एक टैक्स है, या तो वो सिटिंग एरिया का होता है, या पता नहीं किस चीज़ का है, वो ज़रूर लेते हैं। और खैर, हम मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ अपना मिंट मार्गरेटा। ओहो, तो इतना मज़े का था, बड़ा मज़ा आया। पहले ही हम लोगों ने ये पी लिया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे। आप लोग भी इतना, मतलब कि पहले खाना खाने से पहले एक तो खाली पेट ले के आए, ठीक है, जाते सारी वो ये पिला देते हैं, जिसकी वजह से जो पेट है वो फुल हो जाता है, तो वो जो खाना है वो खाया नहीं जाता। हम लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था, रायता वगैरह भी मंगवा लिया था। अच्छा, इनकी जो टमाटर सॉस थी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। सो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि जो इनकी टमाटर सॉस थी वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, यम्मी थी। और वो ये लोग साथ ही सर्व करते हैं, उसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, लेकिन वो शायद
ज़्यादा ही मज़े की बनाते हैं, इसलिए उसकी चार्जेस नहीं लेते, ताकि जो है वो कस्टमर जो है वो इम्प्रेस हो जाए और इनके रेस्टोरेंट में आने के लिए। यहाँ पे हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ने क्या ऑर्डर किया है और क्या हम लोग खाने वाले हैं। सो यहाँ का जो है वो एटमोसफियर बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है, सर्विस इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बिल्कुल भी पेड़ पर प्रमोशन नहीं है। और ये जो है इन्होंने हमें मिंट मार्केटा जो है वो इन्होंने हमें फ्री दिया है और हम फ्री पी रहे हैं। लें जी गाइस, यहाँ जी मामा जी आ गई हैं और आप लोगों ने माशाल्लाह बोल देना है क्योंकि नज़र लग जाती है और नज़र जो होती है वो बढ़क होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दिया करें। सो यहाँ पे ये मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि हम लोग डिसाइड कर चुके थे हम लोगों ने क्या खाना है और इसके अलावा जो है था वो व्लॉग बन रहा था। सो इसलिए मैंने वॉइस भर ली क्योंकि फिर पीछे आप लोगों को पता है कि शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा जो आ चुके हैं, हम लोगों ने करवाए थे पीस, हम लोगों ने चेस्ट पीस करवाए थे, तो ये थी साथ में रायता। रायता तो आप लोगों को एक बार बताऊँ कि बिल्कुल ही वेस्ट किया। और ये जो टमाटर की चटनी थी ना, सारे पैसे इसके हैं, मतलब ये फ्री है और इसके पैसे भी नहीं थे, लेकिन मज़ा आ गया था इसको खा के। मैंने इनसे रेसिपी पूछ ली है तो मैं ये ज़रूर बनाऊंगी चटनी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये कैसे बनाई जाती है ये चटनी। तो ये जी है भाई बैठ गया है और ये खाना अब खाएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे ना, वरना मैंने आप लोगों के घर आके करवाना है आप लोगों को सब्सक्राइब। तो ये था क्या कहने लगी थी मैं भूल गई हूँ, ये चिकन पीस जो है वो सर्व किया जा रहा है और एक सेकंड लाजवाब जी। यहाँ पे तो मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी कि आप लोगों ने इस व्लॉग को एंड तक देखना है क्योंकि एंड पे क्या हुआ था कि हमारा जो था वो ऑटो ख़राब हो गया था और जिसकी वजह से हम बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे थे। आप कहते होंगे आपके साथ ऐसा ही क्यों होता है, कभी ऑटो ख़राब हो गया, कभी जंगल फंस गई, कभी ये, तो हादसे जो होते हैं वो बड़क होते हैं, मतलब कि वो बता के नहीं आए जाते, वो इंसान के साथ होते रहते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इमरान खान का जो डायलॉग है घबराना नहीं है, तो आप लोगों ने भी घबराना नहीं है। अगर आप लोगों के पास मुश्किलें आ जाती हैं तो उसका सामना करना चाहिए और मुश्किलों से मतलब कि भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग भागेंगे तो फिर अगर अभी से भागना शुरू कर देंगे तो आगे आगे जो है ना स्टेप वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल आते रहते हैं इंसान की लाइफ में। जैसे अब इंसान छोटी क्लास में होता है उसमें थोड़ी बुक्स होती हैं, अभी बड़ी क्लास में जाता है उसमें ज़्यादा बुक्स हो जाती हैं और जो कोर्स होता है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इस तरह ही है लाइफ भी ऐसी ही है कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है मुश्किलें और इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और बढ़ती रहती हैं, इसलिए इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मुश्किलों का सामना करना चाहिए, घबराना चाहिए, क्योंकि टेंशंस जो होती हैं वो सबके घरों में होती हैं, ऐसा नहीं है कि टेंशन्स ना हो, टेंशन सबके घर में ही होती है। सो इसलिए टेंशन को रिलीज़ करने के लिए हम लोग आ चुके हैं बाहर आज फैमिली डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कैमरे को सेट वेट, लेकिन सेट वेट हो नहीं रहा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना शुरू करते हैं, खाते हैं और देखते हैं किस तरह का है, मज़े का है या नहीं मज़े का। तो मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था। अच्छा आप लोगों को एक बात और बताऊंगी कि आप, मैंने अपने व्लॉग में काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, अब मैं फिर से बताऊंगी कि आप लोगों को लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, लोग जो होते हैं वो आपको पागल करने में और उनका बहुत बड़ा हाथ होता है यानी कि मेरा अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस है, इसलिए लोगों को इग्नोर करें, अपनी लाइफ को इंजॉय करें, बाहर घूमें फिरें, ऐश करें। अच्छा हम लोग अच्छा फिर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं तो लोग बीच में आके टांग लड़ा देते हैं, यार ये तो खुश है, ये तो ऐसे ही है, नौटंगी कर रहा है, लेकिन इंसान का ये नहीं है कि इंसान अपनी टेंशन को भूल गया है, इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं, इंसान
के अंदर होती हैं सारी टेंशन्स, और इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों को बाहर जाना चाहिए ताकि इंसान का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए और इंसान का जो ध्यान है वो कहीं और लग जाए। तो इस वजह से है ना, इसलिए आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, मौसम देखने चाहिए, क्योंकि सर्दी गर्मी ने तो आना ही है। ये नहीं है कि इसको आप अंदर रह के घरों में बस गुजार दें, सर्दी भी आने वाली है गर्मी भी आने वाली है, तो बस घरों में रह के नहीं गुजारनी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। और लाइफ को बस एक दफ़ा लाइफ मिलती है, लाइफ को सब बार बार मिलती है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। और आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप लोग भी समझदार हैं। और ये था हमारा क्या कहते हैं, ये इन्होंने हम मुझे ये कहा था कि आप रिव्यू दें कि आपको हमारा खाना कैसा लगा, तो फिर मैंने दिया कर दिया। और अब हम इन्होंने हम लोगों को वेट करने के लिए बिठाया कि वो हमारी एक लैंड सोडा लेके आएंगे, सो फ्री में हमें पिलाएंगे। तो पहले इन्होंने मिंट मार्गरेटा फ्री में पिलाया और अब हम ये लोग फ्री में पिलाएंगे। सो गाइस सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि ये एक लेमन सोडा, ये एक क्या ये लेमन सोडा नहीं था, ये था लेमन कावा। और ये वो लोग खाने के बाद सर्व करते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशल हमें सर्व किया, लेकिन किसी किसी को करते हैं, इसलिए हमें हम भी स्पेशल गेस्ट थे इनके लिए, मतलब कि अच्छे हैं इनके लिए कस्टमर साबित हुए। तो फिर उन्होंने हम लोगों को जो है ना वो लेमन कावा दिया, और ये इतना मज़े का था ना, तुर्की स्टाइल की फीलिंग्स आ रही थी, कि जैसे तुर्की में नहीं होता कि वो एंड पे कावा पीते हैं खाने के बाद, वो वाली फीलिंग्स आ रही थी, तो बहुत ही मज़े का था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर इसमें आप स्वीट करना चाहते हैं लेमन, तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये लेमन के बगैर ही बहुत ज़्यादा मज़े का था। और इन्होंने साथ में चीनी भी दी थी, और मतलब कि ना मैं आपको क्या बताऊँ इसके बारे में, कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर जाके एक और बना के कहवा ये वाला पीऊँ ना, मुझे बहुत मज़ा आया पीने का। और मैं भी अब ऐसे ही करूँगी, डाइट के लिए बहुत अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि अब जब खाना वगैरह खा लो तो उसके बाद जो है वो कहवा बना लो, और साथ में आप लोग थोड़ा सा लेमन जो स्वीट कर लो, क्योंकि थोड़ा सा करिएगा, ज़्यादा ना करिएगा, क्योंकि ज़्यादा करने से आप लोगों का गला ख़राब हो सकता है, और मेरा भी गला ख़राब हो चुका है रात को, क्योंकि मैंने ये चिप्स खाई और फिर मैंने ऊपर से पी ली कोल्ड ड्रिंक, ठंडी ठंडी, इतनी ठंडी थी कि वो फ्रीज़र से निकली हुई ठंडी बर्फ़ की तरह थी, तो बस उसकी वजह से जो है वो गला ख़राब हो गया। तो मैंने कहा इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं। ये मैंने डाल ली अपनी चीनी, और चीनी को मैं घोल रही हूँ आजकल मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और बड़ा अच्छा रहता है, और आप लोगों ने भी बोलना है, माशाल्लाह बोलना है कि मेरा मूड जो है वो इस तरह का ही रहे, बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी सैड भी हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, इसलिए मेरी जो है ना फीलिंग वो बड़ी जल्दी सैड हो जाती है। इसलिए आपने ज़रूर माशाल्लाह बोल देना है कि मैं इस तरह ही खुश और हैप्पी रहूँ। तो ये जी सुस्टे लगाए जा रहे हैं, और साथ में हम लोग बातें कर रहे हैं, इनकी तो बातें ही नहीं ख़त्म होती। अच्छा कहीं चले जाओ, व्लॉग बना लो, और बाद में इन बीच में बोलना होता है, कभी किसी को ये हो गया, कभी किसी को वो हो गया, बस ऐसे ऐसे बातें करते रहते हैं। और भी मैं कहा मैं व्लॉग बना रही हूँ, रुक जाओ ठहर जाओ मुझे ज़रा करने तो दो, तो नहीं, बीच में ऐसा ही जाना है, बीच में कुछ ना कुछ कर ही जाना है। तो मेरी बहन कहती ऊपर चली जाओ, ऊपर से जाके ना वीडियो बना लो। मैं कह ले मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी, मैं क्यों ऊपर से दोबारूँगी वीडियो बनाती फिरूँ, नहीं वहाँ पर फुहारा लगा, वहाँ पर ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। मैं कहा चल मैं नहीं जा रही। इसी तरह भी मजाक बना रहे थे हम, बड़ा मज़ा आया जो है नींबू खाते हैं। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरा लेंस जंस है वो ये वाला थोड़ा तंग कर रहा है। सो व्यूअर्स, ये अब हम लोग जा रहे हैं, और आप लोगों को मैं बता रही थी लेंस के बारे में। लेंस आप कहेंगे कि लेंस आपके क्या अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक लगाए रखो तो वो फिर इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, इसलिए मैक्सिमम मेरे जो है ना लेंस के साथ दो घंटे गुजर जाते हैं। बाहर से देखें जगह कितनी अच्छी है, बाहर से कितना मतलब कितना अच्छा माहौल है बाहर से, इनकी ना प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है खाने की, और इनकी ना होटल की जो मतलब कि इतना इन्होंने खूबसूरत से बनाया हुआ है।